जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आज मैं फिर आपके गांव के तरफ आया तो पता चला कि उस कुएं में मरे हुए जानवर पाए गए हैं, इसलिए मैंने इस बारे में रवि गुरु जी को सूचित करना जरूरी समझा। नहीं नहीं गुरु जी, मैं सच कह रहा हूँ, सच में मैंने कुछ नहीं किया है। जरूर इन्होंने किसी और को देखा होगा। मैंने इस कुएं को दूषित नहीं किया है गुरु जी। मैं इतना बुरा गुना कैसे कर सकता हूँ गुरु जी? ईश्वर के मार्ग से भटक कर कोई कुछ भी कर सकता है। अरे कुछ दिनों पहले मैंने खुद अपने कानों से इसे लोगों को धमकी देते हुए सुना था कि अगर यीशु की भक्ति की बजाय अगर उन लोगों ने मेरी भक्ति की तो ये उनको सबक सिखाएगा। अब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, तुम्हारा सच सामने आ गया है तो तुम इस व्यापारी को झूठा बता रहे हो। देखो यीशु की अंधभक्ति ने गांव वालों की क्या दुर्दशा कर दी है। देखो अब भी समय है, अगर तुम अपनी गलती को स्वीकार कर लोगे तो मैं तुम्हारे प्रति दया दिखाते हुए तुम्हारी सजा को थोड़ा कम कर सकता हूँ, और नहीं तो गांव वालों की जान के साथ खेलने के जुर्म में पत्थर मार मार कर तुम्हारी जान ले ली जाएगी। सोच लो गुरु जी। जाओ गांव वालों को मेरा आदेश सुना दो कि सबके सब चौपाल पर इकट्ठा हो। गुरु जी। हमें पानी का इंतजाम करना ही होगा। मैं भाई से बात करता हूँ, हो सकता है वो भाभी को मना ले और भाभी हमें कुछ पानी देने के लिए राजी हो जाए। कम से कम यीशु के पीने लायक पानी तो मिल जाए। हाँ यीशु कहाँ है चाची? निमा वो तो मन्नू के घर गया है। पर तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो? वो चाची, पिताजी के लोगों ने खिलौने वाले चाचा जी को पकड़ लिया, वो उन पर ये इल्जाम लगा रहे कि उन्होंने कुएं के पानी में मरे हुए जानवर डाले और उस पानी को दूषित किया। वो खिलौने वाले चाचा जी को इसी की सजा देने वाले। आप लोग चलिए उनको रोकिए ना, मैं यीशु को भी बता कर आती हूँ। चलो मैरी। अरे आप कहाँ जा रहे? कहाँ जा रहे मतलब, अरे यार खिलौने वाला निर्दोष है, हमें जाके रब्बी गुरुजी को बताना होगा कि उनसे कोई गलतफहमी हो गई है। क्या खिलौने वाले को बचाने के लिए आप अपने बच्चों को प्यासा मार देंगे? रब्बी गुरुजी हमें पानी दे रहे हैं, हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। यीशु के माँ बाप को जाना है तो जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे। बस चिंता मत करो मन्नू, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। हमें जाकर खिलौने वाले चाची जी को देखना चाहिए, कितनी देर हो गई, अभी तक लौटे क्यों नहीं? क्योंकि पिताजी ने उन्हें जानबूझकर कुएं का पानी दूषित करने के जुर्म में पकड़ के रखा है और वो उन्हें सजा देने की भी बात कर रहे हैं। बच्चा बहुत बीमार है, मुझे जाने दीजिए। ईश्वर की कृपा से आपके दोषी को मैं आप सबके सामने लाने में सफल हो गया हूँ। आप सबकी इस दुर्दशा का एकमात्र कारण ये खिलौने वाला है। ये महाशय अपने व्यापार के सिलसिले में हमारे गांव से गुजर रहे थे, इन्होंने अपनी आंखों से खुद इस खिलौने वाले को कुएं में मरे हुए जानवर को फेंकते हुए देखा था। रवि गुरुजी सही कह रहे हैं, मैंने ऐसे ही देखा। अब
अपने लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। गुरुजी, मैं मन्नू की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बस कीजिए रब्बी गुरुजी, खिलौने वाला निर्दोष है। जरा सोचिए तो, कोई पिता कुएं के पानी को पहले दूषित करेगा, उसी दूषित पानी को वो अपने बेटे को पिलाकर उसकी जान को खतरे में कैसे डाल सकता है? बहुत तरह के इंसान होते हैं ना इस दुनिया में। कई बार इंसान खुद की दूषित सोच को फलित करने के लिए अपने पैर कुल्हाड़ी पर स्वयं दे मारता है। और ये बातें हवा में नहीं कर रहे हम लोग, चश्मदीद गवाह है हमारे पास। अभी अभी कुछ नहीं हो सकता, ईश्वर की तरफ से इसकी सजा तय हो चुकी है। अब अपना फैसला नहीं बदल सकता। सजा? कैसी सजा? इस खिलौने वाले ने गांव वालों की जान के साथ खेलने की कोशिश की है, इसलिए इसकी जान को पत्थर मार मार के निकाल दिया जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप मुझे इस बात की सजा देते हैं कि मैं आपके उपदेशों को नकार कर यीशु के बताए हुए रास्ते पर चला, तो मुझे ये सजा मंजूर है। तुम सब कैसे बंदे हो, इसलिए आंखें बंद करके रब्बी गुरुजी को ईश्वर का दूत मानकर उनकी आंखें आ मिलाते रहते हो। सालों तक मैं इसी अंधश्रद्धा में जीता रहा। वो जो कहते थे ना, मैं वो करता था। अपनी पत्नी को खो दिया, अपने बच्चे के साथ बुरा बर्ताव करने लगा। लेकिन लोग कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर अंधेर नहीं। यीशु इस गांव में मेरे लिए रोशनी बनकर आया है। उसने मेरी आंखें खोल दी। उसके बताए हुए रास्ते पर चलकर मैंने अपने जीवन की सारी खुशियां पा ली। सच कहूं तो रब्बी गुरु नहीं, यीशु है हमारी श्रद्धा के लायक। यीशु ने मुझे मेरी पहचान वापस लौटा दी, और ये रब्बी गुरु जी ने मेरा सारा काम काज बंद करवा दिया। लेकिन वो यीशु था जिसने मुझे दोबारा खिलौने बनाकर बेचने के लिए प्रेरित किया। तब मैंने महसूस किया कि अपना काम करते हुए मैं ईश्वर के और करीब आ गया। जब मुझे कोड हुआ था। मूर्ख, तू इतना भी नहीं जानता कि कोड ईश्वर का शाप है। ले जाओ इसे, ले जाओ यहाँ से। रब्बी गुरु जी ने मुझे जानवरों की तरह इस गांव से बाहर फेंकवा दिया। तो वो यीशु ही था जिसने मेरे प्रति करुणा और दया दिखाई। यीशु की प्रार्थना से सिर्फ मेरा ही कोड नहीं, गुफा में मौजूद बाकी कोड़ियों का भी कोड ठीक हो गया। मैं बिना किसी पछतावे के स्वीकार करता हूँ कि रब्बी गुरु जी से ज्यादा ऊंचा स्थान यीशु का है। मेरा पूरा जीवन बस यीशु को समर्पित है। अगर उसके हाथ थामने की सजा मौत है, तो मुझे यह सजा मंजूर है, मंजूर है। और अगर मुझे मरना ही है, तो मैं यीशु का नाम लेते लेते मरूंगा। और मैं जानता हूं कि आपको यीशु के नाम से डर लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसकी सच्चाई जानते हैं। और याद रखिएगा रब्बी गुरु जी, आपका ये छल और झूठ यीशु की दिव्यता के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। गांव वालों,
जिस यीशु के लिए एक मेमने की जान आप लोगों की जान से ज्यादा कीमती है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।